हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन अपांसु। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए, बिफोर दैट वी वर डिस्कस अबाउट द आउटलाइन स्टडी ऑफ द चैप्टर नंबर 2 की ओवरऑल हमें क्या डिस्कस करना है। चलिए अब हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्योर सब्सटेंसेस की। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। आपको याद होगा जो अभी चैप्टर कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैविंग देयर सिमिलर केमिकल नेचर। ओके, और सिमिलर केमिकल नेचर। सेकंड बात आती है मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स हमने बात की थी, दीस आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। ओके, ये इंप्योर सब्सटेंसेस है। इनके डेफिनेशन से पता लग रहा है दीस आर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते हैं, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल से, दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलने से ये बनते हैं। एंड दे कैन नॉट बी एंड दे कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है? आप फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन आपको पता होगा, छानकर फिल्टर पेपर का यूज करके, या फिर बॉइलिंग, या फिर इवेपोरेशन, ये सब फिजिकल मेथड होते हैं। तो फिजिकल मेथड से हम इजिली इनके कॉम्पोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसको मीडियम मैं आपको आगे बता रही हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर्स क्या होते हैं? विच आर कंसिस्ट ऑफ और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। अब मिक्सचर्स को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स व्हिच हैविंग, मिक्सचर्स व्हिच हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ज्यादा है, बॉटम में साल्ट कम है, पूरा आपको एज इट इज एक जैसा ही दिखाई देगा। एक जैसा दिखाई देने का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं बनती है बीच में कि ऊपर साल्ट आ गया और नीचे पानी चला गया, या नीचे साल्ट आ गया ऊपर पानी चला गया, या बीच में साल्ट इकट्ठा हो गया साइड में पानी चला गया, ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं बनी। तो कैसे मिक्सचर? ऐसे मिक्सचर विच हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में आपको यूनिफॉर्म एक जैसी कंपोजिशन दिखाई देगी, उनको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ओके बेटा, अब ये एग्जाम्पल है इसका, साल्ट इन वाटर, ठीक है, सुगर इन वाटर, विनेगर इन वाटर, ठीक है, विनेगर इन वाटर, ठीक है। तो ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर, इज दैट क्लियर? अब हमने बात की कि फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड क्या होता है? फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। इन मेथड्स के थ्रू हम इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड टाइप का जो मिक्सचर है, दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर व्हिच डू नॉट हैविंग, व्हिच हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन, आप कह सकते हो, व्हिच हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन, व्हिच हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन मिक्सचर, ठीक है। आप कह सकते हैं विच हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं विच डू नॉट हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हैविंग द सेपरेट बाउंड्रीज। ओके, दे हैविंग सेपरेट बाउंड्रीज,
क्या होती है, इनकी सेपरेट बाउंड्रीज होती हैं। आपको पता है फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है ओके, और इस बीकर में आपने साल्ट सॉरी सैंड एंड वॉटर एड कर दिया, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो सैंड है वो तो आपकी बॉटम में कलेक्ट हो जाएगी ठीक है, लेकिन वाटर ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगी बाउंड्रीज की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे सैंड है ऊपर वाटर है, गैस फॉर्मी है बाउंड्रीज, और आप उसको जब देखेंगे तो वो एक जैसा नहीं दिखाई देगा आपको ओके। इट मीन्स डू नॉट हैविंग द यूनिफॉर्म कम्पोजिशन। कैसी कम्पोजिशन है? वेरिएबल कम्पोजिशन है। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब सैंड इन वाटर एक एग्जाम्पल है, चॉक पाउडर इन वाटर कह सकते हो आप, चॉक पाउडर इन वाटर कह सकते हो आप। एक और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर ठीक है। तो आपने देखा जब भी आप उनको मिक्स करते हैं हैविंग द टू सेपरेट बाउंड्रीज, वो अलग सी बाउंड्रीज बन जाती है इनके बीच में ओके। तो इनको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इट्स क्लियर बेटा? तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही है, शॉर्ट वीडियो है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस ओके। हैव ए गुड डे।